हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, आप उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो तारीख है वो तय हो चुकी है। चुनाव की जो तारीख है वो 10 फरवरी से चुनाव होंगे आपके, और जो आपके चुनाव होंगे वो 7 चरणों में होंगे। इन सभी का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 10 मार्च को। तो दोस्तों, मैं आचार संहिता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आचार संहिता क्या होती है, क्यों लागू होती है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ। आचार संहिता इस सभी पॉलिटिक्स पार्टियों की वजह से की जाती है कि ये सभी दायरे में रहे, ये कोई भी उदमबाजी किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव ना हो। अब बताता हूँ मैं आपको आचार संहिता है क्या। आचार संहिता एक ऐसा नियम है, एक ऐसे रूल निकाले जाते हैं इसमें कि जिससे कि सभी राज्य की जो भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो सभी निर्वाचन आयोग के अंडर में रहते हैं, उसमें सभी अपनी हद में रहते हैं, किसी की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। चाहे यूपी के सीएम हो या कोई भी हो, यूपी के कोई भी मंत्री हो, कुछ भी हो, किसी की कुछ नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ ये पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग के हाथ में रहते हैं सब, पूरी की पूरी कमांड। और जो राज्य के जो कर्मचारी होते हैं, ये समझ लीजिए जो राज्य के कर्मचारी होते हैं वो निर्वाचन आयोग के कहने पर ही चलते हैं। जिनकी ड्यूटी जहां चुनाव में लगा दी जाएगी वो वहीं उनको सबको जाना होगा, इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता। तो इसके लिए जो प्रक्रिया बनाई जाती है, जो नियम बनाए जाते हैं सभी पार्टियों को हद में करने के लिए, जो नियम रूल बनाए जाते हैं, बस इसी का नाम कहलाता है आचार संहिता। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उसमें क्या क्या नहीं कर सकते। आचार संहिता में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री नई योजना का शिलान्यास या कोई भी भूमि पूजन या कोई भी योजना निकाल दी जाती है, कोई भी मंत्री या कोई भी सीएम द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जाएगी आचार संहिता लागू होने के बाद। आचार संहिता जिस दिन से लागू हो जाती है, जिस दिन चुनाव की डेट फिक्स हो जाती है। दूसरी बात यह, सरकारी खर्चे से किसी भी पार्टी कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। जब तक आचार संहिता लागू रहेगी लाउडस्पीकर बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रैली करने से पहले पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। कोई भी रैली कहीं भी कोई भी करेगा तो उसको पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसके पुख्ता इंतजाम पहले से पुलिस कर सके कि कोई भी उदमबाजी, कोई भी उपद्रव ना हो। किसी भी प्रकार का मतदाता को किसी भी प्रकार के, कोई भी जितनी पॉलिटिक्स पार्टी है, मतदाता को किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं दे सकते। किसी भी प्रकार की रैली में धर्म के नाम पर कोई भी वोट नहीं लिया जाता। कोई भी सरकारी गाड़ी या सरकारी बंगला चुनाव के लिए यूज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। जो जहां चुनाव का जो बूथ बना देता है उस बूथ के पास किसी भी प्रकार का, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का कोई भी चुनाव चिन्ह इधर उधर उसके पास आसपास बिल्कुल भी नजर नहीं जाएगा। ये जो सभी नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी नियम आचार संहिता के हैं। अब बात आती है, अगर कोई पॉलिटिक्स पार्टी या कोई भी मंत्री या कोई भी इन जो मैंने बताई है इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। जो इस नियमों का उल्लंघन करता है उसके नाम पे FIR भी हो सकती है और उसको जेल भी हो सकती है, अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा उल्लंघन करता हुआ कोई भी दिखाई देता है तो आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हो। तो आज मैंने आचार संहिता के बारे में जानकारी दी आपको कि आचार संहिता क्या होती है, कब लागू होती है, किस तरीके से इसमें क्या क्या हमें छूट मिलती है या क्या क्या हम पर पाबंदी लगाई जाती है। आशा करता हूं आप सबके समझ में आ गई होगी कि आचार संहिता क्या होती है। और यूपी में आचार संहिता लागू हो चुकी है, 10 फरवरी से इसके चुनाव होने वाले हैं, 7 चरणों में चुनाव होंगे, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखाई देगी जिससे मैं जो भी नई नई अपडेट देता रहता हूं वो पहुंचेगी सबसे पहले आपके पास। जय हिंद, जय भारत।